काल वसमत तालुक्यातील तलाठी संतोष पवार हे आडगाव रंजेबुवा या गावातील तलाठी कार्यालयामध्ये बसलेले असताना एका व्यक्तीनं वादात सुरुवात केली असता त्यांनी काही काळाच्या आतच तलाठी पवार यांच्यावर मिरची पावडर टाकून चाकूनं हल्ला केलाय. या हल्ल्यामध्ये श्री पवार यांना दवाखान्यात दाखल केलं असता त्यांचा मृत्यू देखील झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलंय. याच्या निषेधार्थ आज नांदेड तलाठी संघटनेच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन करण्यात आलंय. या आंदोलनामध्ये जिल्हाभरातील तलाठी देखील सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राच्या तलाठी संघ नांदेड की ओर से वसमत तालुके में हमारे कलीग पवार साहब पे जो हल्ला हुआ जिसमें उनकी मौत हुई उसके लिए नांदेड की ओर से हम उसका निषेध व्यक्त करते हैं. साथ ही हम शासन से तीन प्रमुख मांगनियां मांगते हैं कि सबसे पहले फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाए और उस आदमी को फांसी की सज़ा दी जाए. दूसरा, जो फील्ड पर काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए. और तीसरी हमारी मेजर मांगनी यह है, क्या तलाठी जो अकेले थे, कमाते थे, उनके फैमिली में से किसी एक को अनुकंपा के तौर पे उनको लिया जाए और कुछ कैश ग्रांट इमीडिएटली उनको दिया जाए. धन्यवाद. दोषियों को क्या डिमांड क्या है? दोषियों को फास्ट ट्रैक में जाकर उनको फांसी की सजा दी जाए और साथ ही जो फील्ड पे काम करते हैं उन सभी लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए.